अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं जुलेखा अरफा फ्रॉम जुलेखास किचन से. आज मैं बनाने जा रही हूँ जलजीरा. जलजीरा आप किसी भी जलजीरा एक ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है. आप गर्मियों के सीजन्स में बना सकते हो, आप नॉर्मली भी बना सकते हो, आप खाने में लंच और डिनर में सर्व कर सकते हो. ये पेट के हाजमे के लिए भी बड़ी अच्छी है. तो मैं बताती हूँ आपको उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए. हाफ कप पुदीने के पत्ते, आधा कप कोथमीर के पत्ते, आधा इंच अदरक, चुटकी भर हिंग. हिंग अगर आपको नहीं डालना है तो कोई बात नहीं. ये है पौना चाय का चम्मच जीरा, भुना हुआ जीरा. ये है आधा चाय का चम्मच पेपर, काली मिरी का पाउडर. ये है नमक, एक छोटा चाय का चम्मच नमक है ये. एक ये बड़ा चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून इमली का गूदा जिसे हम टैमरिन पल्प कहते हैं, 1 टेबल स्पून है. ये है 2 टेबल स्पून नींबू का रस. ये है 1.5 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, पादरा नमक जिसे हम कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट. और ये है मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर. ये 1.5 छोटा चाय का चम्मच है. ये 1 चाय का चम्मच शुगर है, शक्कर. आपको अगर थोड़ी, अगर ये ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं. और ये और नमक जो है हम फिर स्वाद अनुसार ऊपर नीचे बैलेंस कर सकते हैं आप. अगर आपको बूंदी भी अच्छी लगती है, वो जो रायते में हम डालते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो. आधा कप उसे भिगा के पानी में रख दीजिए और जब वो फूल जाए तो उसे छानकर निकाल दीजिए, साइड पर रख दीजिए. मुझे नहीं पसंद तो मैं इसके लिए बूंदी नहीं डाल रही हूँ. और हाँ, हम 4 कप पानी लेंगे. सो अब मैं बताती हूँ आगे करना क्या है. ये मैं डाल रही हूँ धोई हुई कोथमीर और पुदीना और अदरक को काट कर. और अभी हम इसे पीस लेते हैं. आधा कप पानी लेना है और आधा कप पानी डालिए, शक्कर भी डाल दीजिए. और अभी इसे पीस लेते हैं. चलिए देखिए ये पीस चुका है. अब हम इसे निकाल लेंगे या फिर एक बड़े बाउल के अंदर या फिर जग के अंदर निकाल लीजिए. देखिए मैंने निकाल लिया. अब मैं ये सारी चीज वन बाय वन करके डालूंगी. ये डाल रही हूं जीरे का पाउडर डाला मैंने. ये है आमचूर का पाउडर. ये है काला नमक, पादरा नमक जिसे हम कहते हैं. ये हमारा सादा नमक. ये पेपर पाउडर, काली मिरी. ये है नींबू का जूस. ये है पल्प, टैमरिन, इमली का. और ये है हिंग. और अब मैं इसे मिक्स कर देती हूं. और अभी इसमें 3.5 कप पानी डालूंगी. पहले मैंने आधा कप डाला है, तो ये रहा 1.5 कप डाल दिया. और अभी इसे आप हिला लीजिए अच्छे से. और अब अगर आपको इस स्टेज पर आप बूंदी भी डाल दीजिए. अच्छा, अगर आपको इसे और ज्यादा ठंडा करके डालना है तो मैंने अभी ठंडा पानी ही डाला है. बट अगर आपको ठंडा करना है और, तो आप फ्रिज में रख सकते हो, रेफ्रिजरेट कर सकते हो और 1.5 घंटे के बाद उसे निकाल के पी सकते हो. ये वैसे तो सोडा है नहीं कि इसे तुरंत ही पी लेना है आपने. तो ये आप सर्व कर दीजिए. और अगर आपको चाहिए तो आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो, बर्फ, ठंडा बर्फ भी डाल सकते हो और इसको सर्व कर सकते हो. ग्लासेस के अंदर निकाल लीजिए और सर्व कर दीजिए. चलिए मैं सर्व कर देती हूँ. इसे मैंने हिला दिया और अभी मैं इसे पोर कर रही हूँ. चलिए ये देखिए, ये सारा मैंने निकाल लिया है ग्लास के अंदर. आप इसको हिलाते हिलाते जाइए, नीचे स्टोर करते जाइए और फिर भरिए, सो दैट वो मसाला नीचे ना रह जाए. और जब भी आपको डालना हो तो आप उसे हिलाकर ही पीजिएगा. और दूसरी बात यह है, अभी आप बूंदी डाल सकते हो जो आपने फुलाकर रखी है, बट मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं डालती हूँ. अब मैं सिर्फ एक नींबू का जो आधा है स्लैश वो लगा दूंगी डेकोरेशन के हिसाब से. अब ये हो गई रेडी हमारी जलजीरा.
अच्छा, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अब मेरे पास बूंदी रायता मैं नहीं डाल रही हूं, तो मैं थोड़ा सा ऐसा डेकोरेट कर रही हूं पुदीने के पत्ते और ये लेमन का एक, ये मैंने डाल दिया नींबू, एक स्लैश इसका नींबू का डाल दिया और थोड़े से मैं पुदीने के पत्ते से उसे गार्निश कर रही हूं, क्योंकि मैं वो नहीं डाल रही हूं तो थोड़ा खूबसूरत भी दिखना चाहिए। सो ये हो गया मेरा रेडी जलजीरा। चलिए फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।